अगर आप भी चाहते हैं आपके भी बाल लंबे घने मजबूत हों, बहुत ही ज़्यादा चमक आ जाए बालों में, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ घरेलू चीज़ें यूज़ करने से हुए हैं। आप लोग यकीन मानेंगे मेरे बाल बहुत ही शॉर्ट हुआ करते थे, कुछ ही सालों में मेरे बालों की लंबाई इतनी तेज़ी से बढ़ी है ना, जब से मैंने अपने बालों की केयर करनी शुरू की है तब से आप ये समझ लो कि मेरे बाल बहुत तेज़ी से लंबे घने मजबूत हुए हैं। एंड ये सारी रेमेडी आपको मेरे चिश ब्यूटी चैनल पे मिल जाएगी, तो आप लोग चैनल पे आइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखिए, आपको सभी सीरीज़ मिलेगी। अपने बालों की केयर करिए और आप भी अपने बालों को इतना लंबा घना मजबूत कर सकते हैं। ओके, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मैं सीरम लेकर आई हूँ। ऐसा सीरम है ना कि बालों की ग्रोथ बहुत फास्ट कर देगा ये, क्योंकि इससे आपकी बालों की जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो मजबूत होगी। साथ ही साथ आपका हेयर फॉल अगर हो रहा है तो वो रुकेगा एंड धीरे धीरे बालों की ग्रोथ है वो बनती चली जाएगी, यानी कि बालों की लंबाई इंक्रीज होगी एंड न्यू बेबी हेयर्स आएंगे, जिससे कि सिर में आपके घने बाल होते रहेंगे। काफ़ी जैसे लोगों के पतले बाल होते हैं ना, सिर में कम बाल होते हैं, तो उसमें आपके बालों की ग्रोथ होगी, वॉल्यूम बनेगा, बालों में थिकनेस आएगी, है ना। सो ये जो सीरम है ये बहुत ज़्यादा नेचुरल, बहुत ज़्यादा नहीं, 100% नेचुरल है। इंग्रेडिएंट जो मैंने इसमें यूज़ किए हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आपके गंजेपन को दूर करने के लिए, बालों में थिकनेस के लिए, हेयर फॉल को कम करने के लिए और आपके स्कैल्प के ब्लड फ्लो को बहुत तेज़ करने के लिए, जिससे कि आपके हेयर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। ओके, सो आप लोग ज़रूर इस सीरम को बनाना, यूज़ करना। और सबसे बेस्ट पार्ट इस सीरम का है कि इसे आप लोग स्टोर करके कम से कम 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं एंड इसको आप यूज़ करते रहिए। वीक में अगर आप इस सीरम को 2 से 3 बार यूज़ करते हैं ना, तो लिटरली आपको एक ही वीक में बहुत ज़्यादा फर्क है वो पता चलेगा। तो अगर आप इसे रेगुलर इस सीरम को वीक में कम से कम 2 बार या 3 बार यूज़ करते हैं ना गाइस, तो सीरियसली आपको एक ही वीक में आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने बालों में लगेगा एंड इतने ज़्यादा बालों में वॉल्यूम आ जाएगा, बाल थिक लगने लगेंगे और बालों की जो मजबूती है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि अगर बाल मजबूत होता है ना, तो हमारा हेयर फॉल की समस्या है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बाल जब मजबूत होता है तो टूटता नहीं है ना। जिनके वीक बाल होते हैं, कमज़ोर रूट्स होती है, वो एकदम से बाल बाहर आ जाते हैं। आप बालों के हाथ लगाओगे और आपके बाल हाथ में आ जाते हैं। तो इसलिए अपने बालों को मजबूत बनाइए, और मजबूत बनाएंगे कैसे, जब आपके बालों में अच्छे से अच्छा आप केयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं इस सीरम को किस तरह से रेडी करना है। बहुत ही ईजी है, लिमिटेड चीज़ें मैंने ली है एंड बनाने का जो तरीका है उसे पूरा देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत करिएगा, वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो सारी चीज़ें हैं वो समझ पाएंगे। ओके, एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है ना, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी कर देता है एंड मोटिवेशन देता है। और इसी तरह बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहती हूँ मैं, और एवरीडे वीडियोज़ आपको मिलती है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आपके बालों की जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर सीरीज़ करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज ये लगा रहे हैं, कल वो लगा रहे हैं, परसों वो रोज़ कुछ ना कुछ लगा रहे हैं, नहीं। आपके बालों की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको सारी वो सीरीज़ है, रेमेडीज़ है, फॉलो करनी है। ओके, क्योंकि सबके बालों का टेक्स्चर अलग होता है, बालों का लाइफ अलग होता है, बालों का हर चीज़ है, पीएच लेवल अलग होता है, तो उसकी वजह से जितनी भी रेमेडीज़ मैं देती हूँ तो सबके ऊपर वो अलग अलग काम करती है ना। तो आप लोग के हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप ब्लैक टी सीरीज़ को पूरा प्रॉपर तरीके से करिए, है ना। बाल्डनेस है तो बाल्डनेस सीरीज़ करिए, बालों को लंबा करना चाहते हैं तो 1 मंथ 6 इंच लॉन्ग हेयर सीरीज़ करिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि हमें बालों की किस तरह से केयर करनी है, तो 1 वीक का एक हेयर ग्रोथ और रूटीन शेयर किया है मैंने, वो रूटीन फॉलो करिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग, है ना, देखिए प्लेलिस्ट में सभी फोल्डर बने हुए हैं, एक बार आप सरसरी निगाहों से देखेंगे ना, आपको सारे फोल्डर मिल जाएंगे, पर्टिकुलर एक एक इंग्रेडिएंट के भी सीरीज़ है एंड आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग भी सीरीज़ है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, जल्दी से सीरम बनाते हैं और देखते हैं ये इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डालेंगे। सो गाइज, इस सीरम को बनाने के लिए आपको क्या लेना है, आप इसे लोहे की कढ़ाई में भी बना सकते हैं, आप नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं, ठीक है। आपको 1 ग्लास पूरा वाटर लेना है इसमें, और 1 चम्मच पूरा भर के फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट है दाना मेथी यानी फेनुग्रीक सीड, ये आपको लेनी है। एंड ये फेनुग्रीक सीड आपके गंजेपन को दूर करता है, थिनिंग की प्रॉब्लम दूर करता है, हेयर फॉल को कम करता है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंग्रेडिएंट है, इसे ज़रूर इंक्लूड करेंगे, ये आपके बालों की सभी प्रॉब्लम दूर करता है। इसमें बहुत सारे विटामिंस, मिनरल, फॉलिक एसिड, बहुत सारी गुडनेस होती है, जिससे बाल तेज़ी से ग्रोथ होने लगती है। चाहे आपके बालों की ग्रोथ रुक भी गई है ना, तो भी वो फ्लो में आ जाते हैं।
ओके। सेकंड इंग्रेडिएंट है यहाँ पर कलौंजी सीड। ये कलौंजी सीड है, इसका भी मैंने एक चम्मच लिया है। कलौंजी सीड भी गंजेपन पे बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी की स्कैल्प दिखने लगी है ना, स्किन नज़र आने लगी है ना, तो उसके ऊपर बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत ही असरदार इंग्रेडिएंट है कलौंजी भी। सो एक चम्मच हमने कलौंजी लिए। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स के होता है, विटामिन बी की पूरी फैमिली होती है, बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स है ना इसके अंदर मौजूद हैं, जो कि आपके बालों की ग्रोथ को फास्ट करते हैं। तो ये दोनों हमने एक एक चम्मच इसमें डाला है, ओके। इसके बाद में हम कुछ इंग्रेडिएंट और लेंगे, जैसे कि है दालचीनी है ना, सिनेमन सीड है, ये छोटा सा टुकड़ा लिया है इसका मैंने। इसके बाद में जो है लौंग, ये मैंने 4 से 5 लौंग ली है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे, ये देखिए लौंग है, ये 4-5 लौंग आपको ले लेनी है। इसके बाद में जो ब्लैक पेपर होता है, काली मिर्च, इसके आप 8 से 10 दाने ये ले लीजिएगा, ओके। एंड इन तीनों को आपको क्या करना है, क्रश कर लेना है, मतलब कि बहुत ही बारीक बारीक कूट लेना है, ठीक है। क्योंकि इसका जब हम इसको डायरेक्ट ऐसे डालेंगे तो इतना इसका जो है गुडनेस वो नहीं मिलेगी वाटर में, लेकिन इसे हम क्रश करके डालेंगे तो जल्दी से इसका जो भी गुडनेस है वो पानी में है ना वो मिक्स हो जाएगा। सो ये तीनों भी आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट करते हैं, हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, बाल आपके तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, चाहे आपके बालों की ग्रोथ रुकी है फिर से ग्रो होने लगते हैं, न्यू बेबी हेयर्स आने लगते हैं। सो ये तीनों इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं आपके बालों के लिए। सो यहाँ पर इनको अच्छे से मैंने कूट लिया है और अब हम इसमें वाटर में ऐड कर देंगे, ओके। सो ये बहुत ज़्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट है, अगर आप देखेंगे तो ये टोटल मैंने इसमें अभी फ़िलहाल 5 इंग्रेडिएंट ये ऐड किए हैं। इसको आपको स्लो फ्लेम पर है ना कुक करना है, कम से कम 10 से 15 मिनट कुक करना है, क्योंकि जो हमने एक ग्लास वाटर लिया है ना, ये कम से कम आपका आधा ग्लास या आधे से भी कम ग्लास बचेगा, तब आपको इसको फ्लेम को ऑफ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अच्छे से कम 15 मिनट लगे थे इसको, 15 मिनट में आप देखिए इसका वाटर है काफ़ी चला गया, ख़त्म हो गया, और बाकी एकदम थिक हो गया पानी। और बाकी इसको आपको क्या करना है, मेश कर देना है पूरा हाथों से, चम्मच से है ना, इसको अच्छे से पूरी जो है ना दाने ये एकदम से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इनको हाथों से आप इस तरह से पूरा मेश कर लीजिए, ओके। मेश करने के बाद में आप क्या करेंगे कि एक कपड़ा लेना है, चलनी में ये अच्छे से नहीं निकलेगा, तो आपको एक कॉटन का कपड़ा लीजिए और उसके अंदर आप ये पूरा डाल के और जो पूरा सीरम है उसे निकाल लीजिए। अभी आप इसकी थिकनेस देखिए, कंसिस्टेंसी देखिए, कितनी ज़्यादा अच्छी कंसिस्टेंसी में ये हमें मिला है, कितनी थिकनेस आई है, बिल्कुल सीरम वाला टेक्सचर है इसका है ना। तो ये आपको प्योर सीरम मिल गया है, जो कि आपके बालों को बहुत बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेकर आने वाला है बालों में, ओके। अब हम इसमें कुछ और चीज़ें भी डालेंगे जिससे कि बालों की जो ग्रोथ है वो डबल हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसमें स्वीट ऑलमंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बादाम का तेल, आपके पास जो भी बादाम का तेल आप वो यूज़ करिएगा, कम से कम एक चम्मच आप इसमें बादाम का तेल ऐड करिए। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है, जिससे आपके बालों की ग्रोथ है ना वो अच्छी होती है, तो इसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है बादाम के तेल में, ओके। उसके बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक चम्मच पूरा एलोवेरा जेल, ओके। एलोवेरा जेल आपके बालों की सभी प्रॉब्लम को दूर करता है, बालों में देखिए थिकनेस लेकर आता है, डैंड्रफ की शिकायत है वो दूर होती है, बाल इससे मजबूत होते हैं है ना, एंड किसी तरह का कोई स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन है ना, तो वो भी इससे नहीं होता है और बालों की मजबूती बनती है। इसके बाद में मैंने यूज़ किया है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, आप भी लेवेंडर एसेंशियल ऑयल यूज़ करिए। आपके पास जो भी है रोजमेरी है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ग्लूकोज इसकी सीरम की जो लाइफ है उसको हम लॉन्ग करने के लिए यहाँ ये ऐड कर रहे हैं, और इसकी गुडनेस भी बहुत ज़्यादा है बालों के लिए, आपको स्ट्रेस भी नहीं होने देता है ना, इसकी खुशबू इतनी प्यारी होती है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता है। सो लेवेंडर आप इसमें यूज़ करिए, कम से कम 8 से 10 ड्रॉप इसमें डाल सकते हैं। बस ये सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये सीरम आपका बनके बस रेडी है। इसको आपको कैसे लगाना है, जब आप शावर लेने जाते हैं उससे 2 घंटे पहले इसे अपने स्कैल्प पर लगाइए, पूरे स्कैल्प पर लगाकर अच्छे से मसाज करके छोड़ दीजिए, 2 घंटे रहने दीजिए, उसके बाद में नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। अगर शैम्पू की ज़रूरत पड़े तो आप शैम्पू भी कर सकते हैं। ये आपको वीक में कम से कम 3 बार प्रोसेस करना है, 3 बार में ही आप रिजल्ट देखेंगे कि आपकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई है कि बाल आप खींचने पर भी नहीं टूटेगा, नहीं तो हाथ लगाने से ही बाल हाथों में आ जाते हैं ना, तो आपके बाल हैं वो बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे। सो ये इस सीरम को जरूर बना लीजिए गाइस, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। इसका एप्लीकेशन देखना है तो मेरे व्लॉग चैनल पर आ जाइए, चिश ब्यूटी व्लॉग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर एप्लीकेशन पार्ट में आपके साथ शेयर करती हूँ, यहां भी करती हूँ वहां भी करती हूँ है ना।
सो चलिए अब आपको मैं बताती हूँ थोड़ा सा स्किन केयर के बारे में। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी कुछ दिनों से मैं स्किन केयर यूज़ कर रही हूँ, जिसमें दो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जो कि है मामाअर्थ की टी ट्री, ये जो है ऑयल फ्री फेस टोनर है, एंड मामाअर्थ का टी ट्री ऑयल फ्री देखेंगे तो ये फेस मॉइस्चराइज़र है। दोनों ही बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट लगे हैं मुझे, एंड जब से मैं यूज़ कर रही हूँ मुझे इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे लगे हैं। स्किन में बहुत ज़्यादा देखिए ग्लोई स्किन हुई है, मॉइस्चराइज स्किन हुई है। सो वन बाय वन मैं दोनों के बारे में आपको अच्छे से पहले बताती हूँ, क्लियर। सो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर ग्रीन टी फेस टोनर के बारे में। ओके, इसमें देखिए ग्रीन टी है और कॉलेजन है, एंड ओपन पोर्स के लिए बहुत ही बेस्ट टोनर है ये। इसमें अल्कोहल नहीं है, है ना, सभी स्किन टाइप वालों के लिए बेस्ट है ये। डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, एंड इसका नेट कंटेंट 100 ml है। और मामाअर्थ से तो आप सब वाकिफ़ हैं, मामाअर्थ बहुत ही अच्छी इंडियन ब्रांड है, पेटा सर्टिफाइड है। इनके सभी प्रोडक्ट हैं हार्मफुल केमिकल से फ्री होते हैं, है ना, एंड प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है ये। सो यहाँ पर देखिए जो टोनर है इसको यूज़ करने का एक तरीका है, इसे आपको अपने पूरे फेस को अच्छे से वॉश करने के बाद में फेस के ऊपर स्प्रे करना है, और आप चाहें तो कॉटन पैड से भी अपने फेस के ऊपर इसको लगा सकते हैं अपने फेस पर, नेक पर, है ना। एंड ये ऑयल फ्री है तो ऑयल भी आपके स्किन पर नहीं आने देता है और मॉइस्चराइज भी कर देता है फेस को, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है। और सबसे अच्छी इसकी पैकेजिंग देखिए आप, पैकेजिंग कितनी अच्छी है, है ना। अच्छे से इसको राउंड आपको ट्विस्ट करना होता है और उसके बाद में ये ओपन हो जाता है, उसके बाद में आप क्लोज़ करने के लिए फिर से ट्विस्ट करेंगे तो बंद हो जाएगा। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और अभी मैं कुछ दिनों से यही यूज़ कर रही हूँ, तो इससे मेरी स्किन है ना वो बहुत ही अच्छी हुई है, स्किन है वो टाइट हुई है, पोर्स जो हैं वो मिनिमाइज़ हुए हैं, एंड कॉलेजन है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। स्किन डेंसिटी कॉलेजन गिव्स फर्मर लुकिंग स्किन, टाइटन ओपन पोर्स। ओके, सो आप लोग ज़रूर इसे यूज़ करिए, स्किन बहुत हेल्दी लगती है, काफ़ी ग्लोई लगती है। सो इसे दिन में 1 से 2 बार मैं अपने पूरे फेस पर ज़रूर स्प्रे करती हूँ। नेक्स्ट अब मैं बात कर लेती हूँ आफ्टर टोनर मैं यूज़ कर रही हूँ गाइज, अभी मामाअर्थ का टी ट्री ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र विथ टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड है इसके अंदर। 24 आवर्स ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, एंड एक्ने और पिंपल वालों के लिए तो बेस्ट बेस्ट मॉइस्चराइज़र और टोनर है ये, है ना, क्योंकि टी ट्री आपको पता है एक्ने और पिंपल पे बहुत अच्छा काम करती है। एंड पैराबिन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, लाइट वेट है इसका फॉर्मूला, है ना, एंड ऑल स्किन टाइप जो है एक्ने प्रोन स्किन टाइप वालों को भी ये सूट कर देता है। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइज़र है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। ओके, एंड आपको पता है जो क्रुएल्टी फ्री एंड वेगन है ये, है ना, मामाअर्थ जो ब्रांड है, एंड इनके सभी प्रोडक्ट हैं वो मेक इन इंडिया होते हैं। सो आप लोग प्रमोट करिए इनको और यूज़ करिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्ट है। और मामाअर्थ को तो मैं इनके प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ हेयर केयर में, स्किन केयर में, है ना। सो इसका टेक्स्चर देखिए, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट टेक्स्चर है इसका क्रीम का, एंड लगाते ही स्किन में अच्छे से मॉइस्चराइज होता है, स्किन में कितना अच्छा देखिए मॉइस्चर आता है, स्किन एकदम ग्लो करने लगती है, चमकने लगती है ना। सो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड इसको भी मैं कैसे यूज़ करती हूँ, इसको आफ्टर टोनर मैं अपने फेस के ऊपर इसे थोड़ा सा लेकर और पूरे फेस पर अच्छे से, फेस और नेक पर इसे लगाती हूँ, अच्छे से मसाज करती हूँ और फिर छोड़ देती हूँ। तो इसे दिन में आप 2 बार मॉर्निंग और नाइट में इस तरह से यूज़ करिए, आप खुद देखेंगे रिजल्ट आपके सामने होगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो यहाँ पर दोनों ही मुझे टोनर और क्रीम बहुत ही बेस्ट लगे, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो लिंक पे क्लिक करिए और अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर लीजिए। एंड गाइस अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा ओनली ऑन मामाअर्थ की वेबसाइट पर एंड मामाअर्थ के एप्लीकेशन पर। ओके, एंड गाइस मामाअर्थ के सभी प्रोडक्ट आपको मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पर अमेजोन पे नायका एंड पर्पल पर भी मिल जाएंगे। ओके, सो आप लोग जल्दी से अपने लिए ऑर्डर प्लेस करिए, एंड काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।